अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिविंग इट अप विद बीनेश। आज हम बना रहे हैं चटपटी सी चटनी की रेसिपी, जो कि हम पराठा रोल के साथ करेंगे सर्व। आपको चाहिए होंगे दो टमाटर, लार्ज साइज के ले लेने हैं आपने, और उनको इस तरह चार हिस्सों में करके काट के आपने रख लेना है। एक कप मैंने यूज करी हूँ धनिया, मेजरिंग कप लिया है जो बेकिंग वाला होता है उसके अंदर अच्छे से आप डालकर भर के आपने यूज करना है एक कप धनिया। एक कप हम यूज करेंगे फ्रेश मिंट, दो गार्लिक क्लोव यूज करेंगे, तीन हरी मिर्चें यूज कर रहे हैं, पानी यूज करेंगे एक कप, चीनी यूज करेंगे टेबलस्पून्स, और अगर कम ज्यादा हुई तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हम यूज करेंगे ब्लैक सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स यूज कर रहे हैं हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, नमक यूज कर रहे हैं हाफ टी स्पून, चाट मसाला यूज करेंगे हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून ही हम यूज कर रहे हैं जीरा पाउडर। एक टी स्पून के करीब हम यूज करेंगे ऑयल। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से करते हैं स्टार्ट। एक फ्राइंग पैन मैंने ले लिया है, फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है। एक टीस्पून के करीब मैंने ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर जो हमने स्लाइस करके रखे थे वो। अब क्या करना है कि आपने बस इनको इसी तरह सॉटे कर लेना है। हम इनको 5 मिनट के लिए पका लेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। 5 मिनट्स हो गए हैं, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और टमाटर अच्छे से पक गए हैं, और अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरफ, जो क्या है, इमली। इमली हम यूज़ करें हाफ कप। तो हम क्या करेंगे कि जो एक कप हमने पानी यूज़ करना है उसमें हम ऐड कर देंगे अपनी हाफ कप इमली। हाफ कप इमली ऐड करके अब हमने इस पानी को स्ट्रेन कर लेना है। आप जिस ब्लेंडर में बना रहे हो एक स्ट्रेनर रख लें, इमली और जो पानी मिक्स किया है अब इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लें। टमाटर, हरी मिर्चें, सारे मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। अब हम इसके अंदर नमक, मिर्चें और सारी जो हमारी स्पाइसेस हैं वो भी हम ऐड कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स ब्लेंडर में डाल के आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। हमारी चटनी की रेसिपी रेडी हो गई है। वैसे तो ये चटनी पराठा रोल्स के साथ सर्व करके बहुत मजे की लगती है। पकौड़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या किसी भी फ्राइड आइटम के साथ, स्प्रिंग रोल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट करती है, इसको जरूर ट्राई करें। मैंने ये चटनी बनाई है अपनी नेक्स्ट रेसिपी के लिए, जो कि है पराठा रोल्स और बोनलेस चिकन के टिक्का बारबेक्यू। कीप ऑन वॉचिंग लिविंग इट अप विद बीनेश। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू लिविंग इट अप विद बीनेश। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स। अल्लाह हाफिज़।